दादा कैसे हो आप मैं बहुत बढ़िया हूँ आप कैसे हो बहुत बढ़िया और चैनल कैसे चल रहा है चैनल तो बहुत बढ़िया चल रहा है सारे लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है आप सब लोगों का भी बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है ये बढ़ते रहो थैंक यू दादा तो आज आ, क्या क्या फिश दिखाओगे आप फिश तो जो पहले वाला वीडियो में जो था वो ही है हुँ? थोड़ा और भी है हाँ दिखाते हैं बच्चा भी हुआ है हाँ सब दिखाते हैं सारे कलेक्शन है आ, सारे कलेक्शन कैसे कर सकता हूँ हाँ। तीन चार सौ पांच सौ वेराइटिया होगा शायद हाँ। गापी का मुझे उतना पता नहीं जो पसंद आता है वो ही करता हूँ हाँ। उसका बच्चा होता है तो अब इतना बच्चा लेके क्या करूँ तो हाँ। कुछ दे देता हूँ वो अगर किसी को पसंद आता है तो वो आप फिर जसबीर के साथ कॉन्टेक्ट कर बोल दीजिए अब बोला ही है तो कैसे लेगा लोग मेरे पास अगर जो मछली मेरे पास है हाँ। वो अगर पसंद आता है व्यूअर्स को तो वो मछली आप जसवीर के साथ बातचीत करके ले सकते हैं क्योंकि मैं सेल नहीं करता हूँ मैं हॉबीस्ट हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है ये करना पसंद है ब्रीड करता हूँ और पुराना हो जाता है तो वो छोड़ देता हूँ फिर नया कुछ पसंद आए तो ले लेता हूँ मुझे यही करना पसंद है तो मुझे आप सब लोग सुन ही लिया हो दादा ऐसे ट्रस्ट करते है ये ही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है ठीक है तो आप सब लोग कांटेक्ट करके ले सकते हो फिश आज आप सब लोगों को सारे फिशेस दिखाऊंगा जो भी पसंद है थे, आप वो सारे फिशेस कांटेक्ट करके ले सकते हो दादा जो प्राइस रेट पे सेल कर रहा है मैं सेम प्राइस रेट पे आप सब लोगों को दे दूंगा तो आप सब लोग वीडियो देखते रहो तो दादा हमारे व्यूअर्स लोग कौन सा फिश अभी देख रहा है ये है मेटल रेडलेस रोस्टेल मेटल रेडलेस रोस्टेल तो इसका खासियत क्या है दादा खासियत तो इसका कलर ही है तो आप सब लोग देखिए कलर और इसका टेल का साइज ना दादा हाँ, ये रोज टेल के अंदर है उसका डोरसल भी बहुत बढ़िया है तो आप सब लोग देखिए लोग कितना बढ़िया फिश है हाँ थोड़ा सा स्ट्रेस में है इसलिए स्विमिंग नहीं कर रहे है लेकिन ये जब इसका डोरसल फिन दिखाएगा आप सब लोगो आप सब लोगों को मालूम पड़ेगा इतना ये कितना खूबसूरत है ठीक है तो दादा इसका बेबीज क्या आपको मिला है थोड़ा बहुत मिला है मिला है ना तो देखिए क्वालिटी लाजवाब क्वालिटी है बहुत बढ़िया तो आप सब लोग को थोड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप सब लोग देखिए कितना खूबसूरत क्वालिटी है फिश का ठीक है तो ये सारा फिश आप सब लोग को मिल जाएगा आप सब लोग वेट करिए तो लेडीज एंड जेंटलमैन आप सब लोग देख सकते हो तो ये है ब्राजीलियन रेड रोज तो दादा यह ब्राजीलियन रेड रोज का बेबीज क्या अभी आपके पास है हाँ है अभी थोड़ा बहुत मिला है हाँ, ज्यादा नहीं मिला है ना, ना ज्यादा नहीं मिला है। तो आप सब लोग देखिए ब्राजीलियन रेड रोज और ये कॉलीडोर्सल के अंदर है ना दादा

जो हम लोग हॉबीज है हमें हाँ, तो, तो सभी पता है सभी पता हमारे है। लिए क्या मायने हाँ, रखता एक है एकदम तो देखिए क्वालिटी तो चलिए हम नेक्स्ट फिश दिखाते हैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन आप सब लोगों को जो फिश दिखाई दे रही है फिश का नाम है दादा से ही नाम पूछ लेंगे दादा इसका नाम क्या है आप बोलिए प्लेटिनम डम्बो एयर प्लेटिनम डम्बो एयर अब देखिए अभी असलो कितना बढ़िया क्वालिटी है और कितना खूबसूरत ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। हाँ ये भी मेरा मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आते है दादा का इसका जब बेबी रेडी होगा आप सब लोग को बेबी भी दिखाएंगे हम खुद ये फिशेज को हम ब्रीडिंग के लिए रखेंगे ठीक है मेरे पास भी प्लेटिनम ईयर है लेकिन वो दूसरा वेराइटी का है और ये जो है हाफ मून हाँ बहुत बढ़िया हाफ मून और डोसलफिन आप देखिए तो ऐसे हाफ मून और डोसलफिन देख के भी हम ब्रीडिंग कराएंगे तो आप सब लोग देखते रहिए क्वालिटी लाजवाब क्वालिटी है आप सब लोग कमेंट करके बोलना इसका क्वालिटी कैसा लगा और दादा इसका बेबीज अभी आपके पास कितना सारा है हाँ, थोड़ा बहुत है हाँ, इसका वो अभी कलर आ रहा है दिखाएंगे हाँ, आपको हाँ, वो अभी कलर आ रहा है ठीक है तो दो महीने के अंदर ये पूरा का पूरा मैच्योर मिल मैच्योर, मैच्योर मिल जाएगा ना बेबी मिल जाएगा तो आप सब लोग क्वालिटी देखिए व्यूअर्स लोग ठीक है ऐसे बढ़िया क्वालिटी आप सब लोगों को दादा प्रोवाइड कर पाएगा ठीक है जब रेडी होगा आप सब लोग तो जरूर हम अपडेट देंगे ये वीडियो के माध्यम से तो आप सब लोग सिर्फ चैनल को सपोर्ट करो चैनल को सब्सक्राइब भी करो भी आप सब लोग देख सकते ये है क्यूट एकदम छोटा सा प्लेटिनम डम्बू ना दादा हाँ, प्लेटिनम डॉम्बो का <laughs> प्लेटिनम डम्बो का बेबी आप सब लोग देखिए इतना छोटा एज में कितना बढ़िया सुंदर दिखाई दे रही है तो इसका एज जब बढ़ेगा तो आप सब लोग समझ सकते हो इसका क्वालिटी कैसे आएगा तो दादा ये कितना दिन टाइम लगेगा और एक बार बोल दीजिए दो महीने के अंदर तो पूरा मैच्योर हो जाएगा तभी आप दे पाएंगे आपको ठीक है दादा तो क्वालिटी देखिए उसके पहले तो नहीं होगा छोटा हाँ। बेबी देने से जो घर में जाएगा हाँ। तो वो ठीक से रहेगा नहीं रहेगा नहीं ठीक मर सकता है मर सकता है तो आपसे लोग क्वालिटी देखिए वियस लोग लाजवाब क्वालिटी और दादा ये क्वालिटी कैसे मेंटेनेंस करते हैं हर एक डिटेल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दादा से लेंगे तो आप सब लोग वीडियो देखते रहिए तो व्यूअर्स लोग आ, मेरे मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया है ठीक है मैं जो आप सब लोग जानते ही हो सुदीपता भी सुदीपता भी जानता हूँ मैं कैसे बिजनेस करता हूँ हाँ सारे लोग और... मेरा आज तक मैं जितना दिन बिजनेस कर रहा हूँ कोई भी लोग बोल नहीं पाए जो है मैं किसी के साथ फ्रॉड किया है किसी के साथ गलत उल्टा सीधा ना, काम किया है, ऐसे, ऐसे कोई भी, भी बोल नहीं पाए ठीक है आज तक कभी कभी भी नहीं किया ठीक है जितने भी लोगों का मतलब ऐसे होता है मेरे को अगर कोई पेमेंट करते है मैं तुरंत उसको फीस देने के लिए मतलब तैयार रहता हूँ ठीक है तो सारे लोगों का मतलब आज तक कभी भी ऐसे कुछ कंप्लेंट नहीं है लेकिन लास्ट कुछ दिन पहले मेरा एक ऑर्डर आया था ठीक है वेस्ट बंगाल के अंदर से ही ऑर्डर आया था वो बहुत ज्यादा एक अमाउंट का ऑर्डर था तो हम क्या किया वो जो ऑर्डर दिया था उसके थर्टी या फोर्टी परसेंट हमको वो जो कस्टमर था वो मेरे को पेमेंट कर दिया था ठीक है और बाकी बोला था आप फिश लेके आओ उसके बाद हम आपको दे देंगे हम वो जो बात बोला है वो बात सुन के हम उसका फीस जो है हम हमारे घर पे ही था वायलेट मॉस्को वो वायलेट मॉस्को वो लाइक थर्टी से थर्टी फाइव पेयर मेरे को ऑर्डर किया था तो वायलेट मॉस्को रेडी करके हम लेके जाएंगे ऐसे प्लानिंग कर रहा था तो उसके बाद वो मेरे को बोला दादा वायलेट मॉस्को लेके आ रहे उसके साथ हम हमको सेंटरक्लॉज भी दो ठीक है तो सेंटरक्लोज भी मेरे को बोला है थर्टी फाइव पेयर हमको सेंटरक्लोज उसके साथ ऐड कर दो तो मेरे पास तो सेंटरक्लॉज नहीं था तो मेरे बहुत करीब एक फ्रेंड है उनके पास सेंटरक्लोज था वो बहुत सारे क्वांटिटी रेडी किया है तो उनके पास जाके हम खरीद के उनके लिए हम दे के आया ठीक है तो जब उनके पास हम गया फीस देने के लिए उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला है आपका जो थर्टी परसेंट हम पेमेंट किया है वो थर्टी परसेंट अभी वो थर्टी परसेंट आपके पास रहे हम फीस को लेके जा रहे हैं घर पे जाके आपको पेमेंट करेंगे ठीक है ऐसे बोल रहे ऐसे कैसे हो सकता ऐसे है? ऐसे कैसे हो सकता है ये कभी भी हो, हो... हो सकता है तो हम तो उस टाइम पे क्या बोले उस टाइम पे हमारा मतलब देखिए हाँ जैसे की हम आपको जानते हैं आप हाँ। हमें जानते हैं हम आपके घर जानते हैं आप हाँ, हमारा घर जानते, जानते हैं है। हम दोनों के बीच बहुत दिनों से रिश्ता हाँ। चल रहा है रिश्ता है मछली ले रहे हैं बात कर रहे हैं अभी मैं इनसे अगर कोई मछली पसंद आता है तो मैं इनसे बोला मेरा पांच प्याज दे दो अरे मैंने ले लिया अभी फीस का हर टाइम तो फीस का रेट एक नहीं होता हर क्वालिटी का एक दाम नहीं होता तो ज्यादा नहीं होता जैसे कि पकड़ लो महीने के आखिर में इनके पास वो है मेरे पास पैसा नहीं है तो मैंने बोला ठीक है हजार रूपए रख लो मुझे पांच प्याज दे दो बाद में मैं पैसा दे दूंगा तो ये ठीक है लेकिन है। मैं आपको जानता नहीं पहचानता नहीं कभी मिला नहीं, नहीं मिला। कभी आपको देखा नहीं और आपको ऐसे बात तो होता नहीं है ऐसे कारोबार कैसे चलेगा तो हमको ऐसे बोला हाँ? पहले तो ट्रस्ट होना चाहिए ट्रस्ट पहले जानकारी है? होना चाहिए जान पहचान होना चाहिए मतलब वो जो कस्टमर था वो मेरे को उस टाइम पे वो ट्रस्ट मेरे को नहीं कर पाया ठीक है अगर वो मेरे को वो ट्रस्ट जमा पाता तो मैं उस, उनको दे देता ठीक है मैं बहुत क्या बोलूँ बहुत एकदम जो ट्रस्टेड बंदा होता है ना वैसे मैं काम करता हूँ ठीक है सबके साथ और इसीलिए मैं बार बार ऐसे हो जाते हैं मेरे साथ तो ज्यादा है और मजली भी तो ज्यादा ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है तो हम उनको बोला है जो नहीं आपको पेमेंट करना पड़ेगा उसके बाद ही आपको आपके फिशेज मिलेगा तो वो बोलता है नहीं आप अप, आपके लेके चला जाओ तो मेरे घर से चार से पांच घंटा उसके घर जाने में लगता है तो वो ऐसे बड़ा एक अमाउंट का मेरे को फिशेज बोला है इसीलिए हम उनको बाई डिलीवरी कोई भी कुरिया नहीं लेके हैंड टू हैंड डिलीवरी देने के लिए गया और जाने के बाद वो मेरे साथ आ, ऐसे बिहेवियर किया ठीक है तो हम क्या क्या, क्या? तो स्कैम हो गया स्कैम हो गया ठीक है तो हम क्या क्या वो थ्री थाउजेंड रुपीज हमको पेमेंट किया था तो उस टाइम पे हम थ्री थाउजेंड का उनको फिशेज मेरे पैकेट से खोल के मैं ऑक्सीजन पैक करके लेके गया था ठीक है ऑक्सीजन पैक मेरे घर पे नहीं होता मेरे घर से डेढ़ से एक घंटा लगता है वहां पर जाके मैं ऑक्सीजन पैक करके लेके गया तो वो ऑक्सीजन पैक को खोल के मैं उससे फिशेज देके दे आया जो पैसा मेरे को पेमेंट किया ठीक है मतलब क्या बोलू मेरे साथ जो हुआ है ऐसे किसी के साथ ना हो मैं ये चाहता हूँ आप सब लोग क्या करो आपके साथ अगर ऐसे कुछ होता है बड़ा कुछ डील होता है किसी के साथ आप डायरेक्टली क्या करो आप पेमेंट लो पेमेंट लेके उसके बाद काम करो ऐसे काम मत करो ठीक है ऐसे उतना ज्यादा ट्रस्टेड मत हो ठीक है मैं जितना ट्रस्टेड काम करता हूँ ये करके बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलू लॉस एक तरीके एक तरीके का लॉस कुछ नहीं है दुनिया में कुछ भी लॉस नहीं है कुछ भी लॉस नहीं है ठीक है तो क्या बोलू उस टाइम पे ये जो सुदीप दा है सुदीप दा के सामने में वीडियो कर रहा इसीलिए उस टाइम पे मैं मतलब क्या बोलू, सारे जैसे ब्लैंक हो जाते हैं ना मेरे साथ ऐसे हो गया था मेरे घर से मतलब मैं अगर वो टाइम पे फिशेस लेके मेरे घर जाऊँ मेरे को चार से पांच घंटा लग जाएगा मतलब मेरा पूरा दिन ही मेरा खराब हो जाता उस टाइम पे तो मैं क्या किया सुदीप दा को फोन किया फोन किया बोला दादा ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत में पड़ा हूँ आप थोड़ा सा मेरे को हेल्प करो मेरे फिशेस को आप कुछ दिन रखो मैं जब घर जाऊंगा उस टाइम पे आपके पास से फिश लेके जाऊंगा सुदीप दा को मैं सिर्फ एक बार बोला दादा तुरंत रेडी रेडी होके मेरे पास से आके फिशेस ले गया ठीक है तो दादा जैसे मेरे को हेल्प करते ऐसे हेल्प करने वाला लोग मेरे पास बहुत कम है ठीक है तो आप सब लोग क्या करो ये जो फिश फार्मिंग कर रहे हो आप सब लोग थोड़ा सा एक साथ होकर फिश फार्मिंग करने की कोशिश करो किसी के साथ अगर ऐसे उल्टा सीधा गलत काम होता है तो आप सब लोग प्रोटेस्ट करो ठीक है इतना ही बोलना है और दादा आप अगर कुछ बोलना चाहते हो हमारे जो सेलर लोग है उनको अगर कुछ बोलना चाहते हो आपके हिसाब से तो सेलर बाद में हाँ। पहले तो हम लोग हॉबीज हॉबीज थे हॉबी से ही हम बाद में बच्चा किए तो ज्यादा बच्चा हो गया तो क्या करे बेचते हैं धीरे धीरे इसमें से हॉबी बाद में हो जाता है तो बिजनेस हो जाए ऐसे हो, चलता है तो जो लोग ऐसे करते हैं वो तो हॉबीज नहीं हो सकते नहीं एकदम ही नहीं क्योंकि पहले बा, पहली बात जो है हॉबीस्ट को पहले खुद के खुद से ज्यादा अपने जो हॉबी होता है उससे फोकस रहता है हाँ। उससे फो, उसमें फोकस है। जैसे कि हम लोग फीस करते हैं तो फोकस फीस में रहना चाहिए हॉबीस्ट हम ठीक है लेकिन अगर एक बंदा पांच छः घंटे ट्रैवल करके मछली ले जा रहा है किसी के पास तो उसे तो ये समझना पहले होगा कि पांच घंटे मजली आया है अब अगर मैं रिफ्यूज कर देता हूँ तो वो तो फिर से पांच घंटे लेके जाएगा तो मजली बचेगा नहीं अभी बचेगा नहीं ये बहुत सारा मर भी गए है ये तो, तो मर तो जाएगा ऐसे कैसे होगा तो पहले बात वो हॉबीज नहीं हो सकती क्यूँकी जो हॉबिस्ट होता है वो जो जिसका हॉबी है उसका पहले बहुत चिंता करता है उसका जे अगर मैं ये करूँ तो क्या होगा क्या होगा अगर सुबह बोल देता कि नहीं मुझे नहीं है मुझे रिफंड चाहिए मैं मजली नहीं लूंगा वो ठीक है लेकिन ऐसे बुला के मछली लेके चला जाऊं बाद में पैसा दूंगा ये ठीक नहीं है ये कोई अच्छा आदमी नहीं है ये ये हॉबीज नहीं हो सकता हाँ तो जो भी है आप को में पूरा में खोल के बोल दिया ठीक है, है और मैं मेरे जायगा से मैं हंड्रेड परसेंट देने की कोशिश कर उनको उनका पैसे का जो फीसेज है वो देखे आया ऐसे नहीं मैं चला आता दूसरा लोग होता तो थ्री थाउजेंड का भी पैसा मतलब फिशेज नहीं देता वो, वो करना हाँ, चाहिए था वो फीस नहीं चला आना था आपको भी बोलना था कि बाद में पैसा दूंगा बोल के अब चला आना चला आना था लेकिन वो फीस दिए है आपका बड़ापन है लेकिन नहीं देना चाहिए था फीस लेके चला चला जाना चाहिए था बाद में आपका पैसा दे देंगे हम अभी नहीं है मेरे पास ऐसे करके उसे एक महीना दो महीना तीन महीना चार महीना घुमा के फिर देने अब दे दो आप आप आपके अंतरात्मा है ना हाँ। उसे क्लीन रखो दे दो लेकिन उसे उसका जो कर्म किया है भूल कर्म किया है उसका थोड़ा सजा भी मिलना सजा भी मिलना चाहिए तो ये रिलेटेड बात के लिए कुछ दिन से बहुत ज्यादा डिमोटिवेट था ठीक है लेकिन दादा मेरे को हर एक टाइम सपोर्ट किया है ठीक है दादा मेरे को समझा है ऐसे होता है बिजनेस में तो हमको भी थोड़ा सा ऐसे रहना चाहिए हा? उतना डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए तो आज आप सब लोगों को मैं खुल के बोला तो मेरा डिमोटिवेशन थोड़ा सा कम होगा आप सब लोग कमेंट करो आपका जितना भी मतलब तो जो भी आपका बात बोलना है वो कमेंट पे बोलो ठीक है और हम जो है उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम ऐसे बांधा नहीं है हम वीडियो के माध्यम से उनको दिखाएंगे ये वो है इसका नंबर है ठीक है आप सब लोग को सिर्फ मैं अवेयरनेस कर रहा हूँ आप सब लोग नेक्स्ट जब फिशेस रिलेटेड डील करोगे उस टाइम पे एकदम हंड्रेड परसेंट अवर हो जाओ ऐसे हो सकता है आपके साथ इसीलिए ये वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को बोल रहा बोला तो चलिए ज्यादा बात नहीं करके बाकी फिशेस दिखाते ये तो होता रहता है ये तो ऐसे होगा हो चढ़ाव तो हाँ, आता रहता देकिन है लेकिन उतना डिमोटिवेट नहीं होना है हमेशा रहेगा कभी बारिश नहीं होगा ऐसे है ठंडी नहीं लगेगा ऐसे नहीं होता है सब कुछ होता है तो जिंदगी में सब कुछ आएगा सब कुछ से एकदम कोई टेंशन नहीं है तो चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आप सब लोगों को दिखाई दे रही है ये मॉस्को के बाद दिखाऊंगा ठीक है तो आप सब लोग देखते रहिए मैं जो है वॉइस ओवर दे रहा हूँ तो मेरा जो ओरिजिनल वॉइस है वो मैं आप सब लोगों को सुनाता हूँ ठीक है तो आप सब लोग वीडियो देखते रहे फिश और नहीं दिखाई देता ना हम नहीं दिया इसीलिए अभी मेरे पास ये फीस है और ये फीस आप सब लोगों को प्रोवाइड कर पाऊंगा मैं सब आप सब लोगों को एक बात बोलूंगा आप सब लोग सिर्फ थोड़ा सा आप सब लोग मेरे को बातों का सपोर्ट करो ठीक है और कुछ नहीं चाहिए ऐसे कोई बात नहीं है आप सब लोग बहुत सारे लोगों को बोलो ऐसा कुछ नहीं है आप सिर्फ कॉमेंट पे आपका जो भी बात है वो बोलो मेरे साथ जो हुआ है ये किसी के साथ ना हो इसीलिए आप सब लोग वीडियो को शेयर करो और ये सारा फिश आप सब लोग को मिल जाएगा बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे क्या प्राइस है वो जानने के लिए व्हाट्सअप करो मैं व्हाट्सएप पे ये सारे वायलेट मॉस्को का प्राइस मैं आप सरों को बोल दूंगा ठीक है तो ये वायलेट मॉस्को मैं जब घर पे जाऊंगा बहुत जल्दी घर पे जाऊंगा तो सारे फिशेज को मैं लेके जाऊंगा और दादा को बहुत बड़ा बहुत ज्यादा थैंक यू दादा जो है मेरे को ये हेल्प किया ठीक है इसीलिए चलो नेक्स्ट फिश दिखाते तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये जो सेंटर क्लॉज है ये सेंटर क्लॉज भी मेरा ही क्लॉज है इंसिडेंट हाँ, वाला ये भी इंसिडेंट वाला है ये पार्ट टू वाला <laughs> तो ये दोनों वेराइटी फिशेज आप सब लोग को मिल जाएगा बहुत ही बढ़िया प्राइस में और ये क्वालिटी वाला फिशेज ही मिलेगा ठीक है तो इसका क्वालिटी देख सकते कितना है कितना बढ़िया है ठीक है अरे एकदम घर में ले जाने से ही बच्चा होगा घर पे ले जाने से ही बच्चा होगा इसका बोल मतलब फीमेल एकदम लोडेड है फीमेल एक दो करके दे भी रहा है ऑलरेडी दे भी रहा है दादा बोल रहा है ठीक है तो आप सब लोग निश्चिंत होकर ये सारे फिश ले सकते हैं और अब सब लोग लो, लो इतना ही बोलना है क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है मैं चाहता हूँ ये थोड़ा कम प्राइस में भी छोड़ देना चाहता हूँ बिकॉज इतना सारा फिश लाइक थर्टी टू थर्टी फाइव पेयर फिश हाँ मेरे घर पे रहेगा उतना बड़ा टैंक भी मेरे पास नहीं है तो इसीलिए आप सब लोग को बोलूंगा आप सब लोग जो भी लेना नेक्स्ट टाइम हम तो ऐसे कोई काम नहीं करेंगे ठीक है नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे हंड्रेड परसेंट पूरा हाँ जैसे काम करना है वैसे करने की और उतना ज़्यादा सबसे जैसे करता हो वैसे नहीं पूरा पेमेंट वगैरह लेके ही हम करेंगे और आप सब लोग जितना सेलर हो आप सब लोग भी ऐसे ही करो और फीचर्स का क्वालिटी कैसे लगा कमेंट करके बोलना